हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल SNG कंस्ट्रक्शन। तो आज का एक नया टॉपिक है, हम देखेंगे कि क्यूब टेस्ट में जो कंक्रीट फिल किया जाता है उसका सही तरीका क्या है और क्यूब टेस्ट करते किस लिए हैं। तो यही है आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको एक अच्छा नॉलेज मिले क्यूब टेस्ट के बारे में। तो यही आज के वीडियो। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये एक हाइड्रोलिक मशीन है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में एजेक्स फ्योरी मशीन कहते हैं। ये मशीन खुद से ही कंक्रीट मिक्स बनाती है, साइड में जो मटेरियल डाल रहता है उसको उठा के देन खुद से ही कंक्रीट मिक्स बनाती है। तो जो इस मशीन पे M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाया गया है, तो इसी M20 ग्रेड का हम क्यूब टेस्ट करेंगे। देखेंगे कि जो इस मशीन पर M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाया है उसमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ है या नहीं है। स्ट्रेंथ इस मशीन पे जो मटेरियल बना है उसकी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ही हम क्यूब टेस्ट करते हैं। और क्यूब टेस्ट करने के लिए जो इसमें क्यूब में कंक्रीट मिक्स फिल करते हैं, वो उसके हम प्रोसीजर देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यूब टेस्ट करने के लिए क्यूब में कंक्रीट मिक्स क्यूब में कंक्रीट फिल करने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है क्यूब, सेकेंड होता है टैंपिंग रॉड, थर्ड होता है ऑयल। तो अगर हम 20 mm से ग्रेडर का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो हमें 115 to 150 mm का क्यूब टेस्ट करना चाहिए। अगर हम 20 mm से लेस 10 mm का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो हमें 100 into 100 into 100 mm का क्यूब टेस्ट करते हैं। तो हम 20 mm से ग्रेटर और 20 mm का ही एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, इसलिए हम 115 to 150 into 150 mm का क्यूब टेस्ट कर रहे हैं। तो क्यूब टेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब में कंक्रीट मिक्स फिल किया जाता है, और जो कंक्रीट मिक्स क्यूब में फिल किया जाता है उसका कुछ प्रोसीजर होता है, जैसे कि मैं आपको अभी बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो क्यूब रहता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयलिंग की जाती है, देन उसमें कंक्रीट फिल किया जाता है। जो कंक्रीट फिल किया जाता है इसका भी एक तरीका होता है। कंक्रीट फिल इस पर क्यूब टेस्ट पर 3 लेयर पे किया जाता है। जो फर्स्ट लेयर होता है वो 50 mm होता है, देन सेकंड जो होता है वो भी 50 mm होता है, जो थर्ड होता है वो भी 50 mm होता है। बट इसमें एक प्रोसीजर ये होता है कि जो आप फर्स्ट लेयर भरते हो, देन उसके बाद टैंपिंग रॉड द्वारा क्यूब जो फर्स्ट लेयर भी भरी जाती है कंक्रीट की, उसमें 35 स्ट्रोक करते हैं। जो ये जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, जो ये रॉड से इसकी स्टोक कर रहा है कंक्रीट क्यूब में, ये टैंपिंग रॉड कहलाती है। जो इसमें टैंपिंग रॉड की लेंथ होती है वो 600 mm होती है, जिसका डाया होता है वो 16 mm होता है। ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता दिया। देन यही प्रोसीजर होता है क्यूब को क्यूब में कंक्रीट फिल करने का, 3 लेयर पे किया जाता है। देन उसके बाद हर लेयर के बाद 35 स्टोक किया जाता है टैंपिंग रॉड से। ये और टैंपिंग रॉड से जो स्टोक करते हैं वो इसलिए करते हैं जिससे कि जो क्यूब में आपका कंक्रीट फिल किया गया है उसमें कुछ भी वॉइड्स ना रह जाए, और जो साइड साइड में एग्रीगेट आ जाते हैं उसको सेंटर में लाने के लिए हम साइड साइड में क्यूब में टैंपिंग रॉड द्वारा स्टोक करते हैं, जिससे कि वॉइड्स ना रहे, जिससे कि जो हमारा क्यूब निकले ये तो वो अच्छी स्मूथ फिनिशिंग से निकले, जिसमें हम टेस्ट करें तो एक अच्छी प्रॉपर तरीके से हमें स्ट्रेंथ मिल सके। इसलिए हम इसकी स्टोक करते हैं, और स्टोक 3 लेयर फिल हो जाने के बाद हम क्यूब के ऊपर जो भी स्लरी रह जाती है, वर्ड सीमेंट रेसियो आ जाता है, उसे कन्नी द्वारा स्मूथ कर देते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर सरफेस हमको मिल सके। और कंक्रीट क्यूब का जो वेट होता है वो 8 kg होता है। कंक्रीट क्यूब का वेट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो कंक्रीट क्यूब की वॉल्यूम होता है वो 0.0037 होता है, और जो कंक्रीट क्यूब में जो कंक्रीट फिल किया जाता है वो जो उसकी डेंसिटी होती है वो 2400 kg/m³ होती है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 kg या 8.1 kg क्यूब का वेट आ जाता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।